समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी के गुरुदेव, उनको हनुमान जी का दर्शन होता था। गांव वाले बोले बाबा हमको भी करा दे, का पूछेंगे हनुमान जी से। हनुमान जी से पूछा कि गांव वालों को भी दर्शन, हनुमान जी बोले लेकिन शुद्ध कथा कहना। हाँ, गांव वालों से कही, गांव के बाहर फर्श बिछा, गैस की लालटेन लेके गए, सब इकट्ठे, आज हनुमान जी आएंगे, गांव भर इकट्ठा। समर्थ खड़े हो गए, करताल ले ली, आंख बंद, श्री राम जय राम, जय जय राम, बस श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। अब लोग सोचें अब कथा होगी, अब कथा होगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, आंख बंद, श्री राम जय राम। गांव वालों ने सोचा अरे पागल बना रहे, नहीं होगा, चलो चलें। सो एक एक करके सब चले गए, दो बैठे रहे, उनकी मजबूरी थी, एक की लालटेन थी, वो लालटेन पकड़े बैठा, एक का फर्श बिछा था, वो फर्श का कोना पकड़े बैठा। लालटेन वाला बोला हम तो भागते हैं, फर्श बोला कि हम भगवान से कब से प्रार्थना की, बाबा नाच रहे, थोड़ा फर्श से नीचे उतरे तो फर्श लेकर हम भागेंगे, लालटेन लेके तुम। और जैसे ही नाचते हुए समर्थ जैसे ही फर्श से नीचे गए, फर्श लेकर तो भागा एक आदमी, लालटेन लेकर दूसरा, और श्री राम जय राम जय जय। हनुमान जी प्रकट हो गए हंसते हुए, समर्थ आंख बंद करके बोल जय हो हनुमान जी महाराज आदि राजा, आपने सब गांव वालों को दर्शन दे दिया, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। हनुमान जी हंसकर बोले आंख खोल के देखो यहाँ दर्शन करने वाला है कौन, जो देखा सो कोई नहीं, कहाँ चले गए। अरे बोले कोई दर्शन वाले नहीं थे, ये तो लालटेन फर्श लेकर भागने वाले थे। तो आप मिलते किन्हें हो, बोले जो भगवान को प्रेम से याद करते हैं। और सचमुच जो भगवान से प्रेम जोड़कर अपनी मिली हुई चीजों को भगवान की दी हुई समझते हैं, श्री हनुमान जी उन पर कृपा करते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। तुलसीदास जी ने तो अपना परिवार ही नहीं बताया, जाति गोत कुछ नहीं बताया। जब किसी ने तुलसीदास जी के लिए कहा धूर्त है, कोई बोला धूर्त नहीं अवधूत है, कोई बोला नहीं नहीं राजपूत है, कोई बोला जुलाहा है कबीरदास जी की तरह, तो तुलसीदास जी तो दुबे, आत्माराम दुबे के पुत्र हैं। तुलसीदास जी कह सकते कि नहीं ये सब नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। पर आप अद्भुत बात देखोगे, तुलसीदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते, कौन हो? श्री तुलसीदास जी बोले धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, चाहे मुझे धूर्त कहो, चाहे अवधूत कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जुलाहा कहो। तो अब चाहे कहने से नहीं, आप भी तो साफ साफ कहो। तुलसीदास जी बोले काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहो, काहू की जाति बिगार न सो। हमें किसी से रिश्तेदारी तो जोड़नी नहीं है, किसी की बेटी से बेटा ब्याहना नहीं है, जब हम अपनी जाति बताएं। अरे बाबा फिर भी सरनेम, आजकल लोग पूछते ना ये नेम सरनेम क्या है, लोगों का नेम से ज्यादा सरनेम में रस है। नेम तो ठीक, सरनेम क्या है? और श्री तुलसीदास जी के समय में भी सरनेम चलता था, अंग्रेजी का शब्द सरनेम, पर उस समय एक शब्द चलता था सरनाम। और तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी सरनेम का, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, मैं राम जी का गुलाम हूं, यही मेरा सरनेम है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाहि रुचे सो कहे कछु ओ, जिसको जो रुचे वो कहता रहे, मांगी के खैबो, भूख लगती है मांग कर भिक्षा कर लेते हैं, मांग के खैबो मसीत को सोए वो। मंदिर वाले तो पूछताछ करके घुसने देते हैं कौन हो क्या हो, बोले ये मस्जिद अच्छी कोई नहीं पूछता, आराम से पड़े रहते हैं। मांग के खैबो मसीत को सोए वो, लेवे को एक न देवे को दो, न
लेना एक न देना दो। अरे बाबा फिर भी, तुलसीदास जी नाराज होके बोले, अति ही अयाने उपखानो नहीं बूझे लोग, साहब को गोत गोत होत है गुलाम को। लोग कैसे पागल हैं, ये मुहावरा नहीं समझते, साहब को गोत होत है गुलाम को, ये सबके जीवन की घटना है। क्यों भाई, बेटी जब आपके परिवार में रहती है तो पिता का गोत्र ही बेटी का गोत्र होता है कि नहीं, है ना, और विवाह के बाद पिता का नहीं, पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इसी तरह जब हम राम जी के नहीं हुए थे तो जहां जन्मे थे वो गोत्र हमारा था, और जब हम राम जी के हो गए तो जो राम जी का गोत्र है वही हमारा गोत्र है। साहब को गोत गोत होते हैं गुलाम को, और भलो के पोच सोच का, मैं बुरा हूं कि अच्छा हूं तुम्हें काय की चिंता है, भलो के बुरो सोच का, भलो के पोच सोच का काहू के द्वार परो, जो हो सो हो राम को। मैं किसी के दरवाजे नहीं पड़ा हूं, जो हो वो राम जी का हूं, और राम जी का कोई परिवार ही हो जाए। और इतने स्वाभिमान से रहता है, कई बार लोग हम ये इसलिए, हम ये, हमारे वो और हमारे ये, अजा बोलो शहर का कोई विशेष अधिकारी किसी का परिचित हो, वो कैसा घूमता सर, अरे कलेक्टर साहब हमारे परिचित, बहुत बढ़िया, अरे साहब कलेक्टर चाहे जब कहते हमारे, और विधायक विधायक हमारे, और मंत्री अरे हमारे खास, और मुख्यमंत्री अरे बैठक हमारी रोज की, अरे बोलो प्रधानमंत्री से कई बार मिलना हुआ, अरे अच्छा मैं कहता हूं जब इनसे संबंध होने पर हम इतने प्रसन्न होते हैं, और जिस दिन भगवान से संबंध होगा उस दिन हम कितने प्रसन्न होंगे।